हेलो, क्या बोल रही है आप बताओ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी है, आज दूसरा दिन है ब्लॉग का। तो अभी मैं कॉलेज निकलूंगा। अभी मैं सुबह उठ करके पढ़ रहा था 4 बजे से, क्योंकि आज पेपर है मेरा। पढ़ाई लिखाई हो रही थी सुबह से, क्योंकि आज पेपर है तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो फिर चलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। 8 बजे से नीचे मेरी बस निकलेगी। अभी सुबह का देखते हैं क्या हाल है, कितना, वाह क्या नज़ारा है, कितना ठंड है भाई बाहर। अरे कहाँ जा रही हो तुम? आ जाओ, ये देखिए कबूतर भी यहाँ बैठी हुई थी। चलते हैं, अब रेडी वेडी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। होते हैं, फ्रेश होते हैं और जल्दी से फटाक से रेडियो के नीचे चलते हैं। आज तो सैटरडे है, तो सोच रहा हूँ कुछ रहा हूँ ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा हो जाए आज, क्योंकि आज के बाद शायद कभी कॉलेज जाऊँ, पता नहीं। आज लास्ट है एग्ज़ाम का, तो जल्दी से रेडी होते हैं, फिर चलते हैं फटाक से। हेलो दोस्तों, तो मैं रेडी हो गया हूँ। एग्ज़ाम है 2 बजे से, एग्ज़ाम तो मेरा 10 बजे से है। चलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेंगे। क्या और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, आगे बस लगी हुई है दो, पता नहीं कौन सी जाएगी, देखते हैं बाहर जाके पता चलेगा। ये पूरा ग्राउंड एरिया है इसका और ये मेन गेट है। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा हुआ दोस्तों, देख सकते हैं आप, और मैं जा रहा हूँ बस में। ये मेरे पीछे आप बस देख सकते हैं, ये रहा, आज मैं इसी से जाने वाला हूँ जिससे आया था कल, और ये रही वो बस जिससे मैं कल आया था और इसी से अभी जाऊँगा। सुबह का यार 8:30 बज रहा होगा अभी, और देख सकते हो कितना घना कोहरा है और रोड पे कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ और रेडी वेडी हो गया हूँ, तो आज देखते हैं कॉलेज में क्या क्या होता है। एक बस ये है और एक अंदर भी लगी हुई है, और एक ये है जिससे मैं अभी जाऊँगा, इसी से मैं कल आया था। तो चलते हैं, देखते हैं, आज कॉलेज का लास्ट डे है एग्ज़ाम का, 3rd सेमेस्टर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं ही रोड पे घूम रहा हूँ, कोई आया नहीं है, आने वाला है बहुत लोग। तो बस यही, आज से डेली ब्लॉग स्टार्ट है, कुछ भी आज से डालूंगा, डेली ब्लॉग्स क्या है नहीं है सब डालूंगा आज से, क्योंकि 3 या 4 महीने से लगभग हमारी ब्लॉग्स नहीं आ रही थी, तो जैसा कि आप लोग को पता है। चलो फिर रास्ते में मिलते हैं या फिर डायरेक्ट कॉलेज में मिलते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप लोग से शेयर करनी थी, वो ये कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो कैसे लगा, कितने इंटरव्यूज़ हमने दिए और कितने राउंड्स हुए हमारे, और यहाँ पे कितनी कंपनियाँ अभी तक आई हैं, कैसे क्या हुआ, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। और मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, मेरा कौन सा ब्रांच मैंने चूज किया था MBA में। एक्चुअली ड्यूल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, 3rd सेमेस्टर से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो आप सब्जेक्ट कौन कौन सा मैंने चूज किया और कौन सी सब्जेक्ट्स की ज़्यादा कंपनियाँ आती हैं, कौन से ब्रांचेस की, वो मैं सारी डिटेल्स मैं मतलब बताऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उसका एक स्पेशल वीडियोस मैं रिलीज़ करूंगा आप लोग के सामने, तो आप लोग बस बने रहना, देखना हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप रिव्यू दे करके मुझे बताना। और मैं फाइनली कॉलेज आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, लेट हो गया, 5 मिनट बचा हुआ, जल्दी से दौड़ के जा रहा हूँ। और मेरे साथ देखिए कौन है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नहीं है, बहुत खराब है, इतना मत शर्माओ। क्लासरूम ढूंढना पड़ेगा किधर है हमारा क्लासरूम अलॉट हुआ है आज का, इस साइड होगा मे बी। चार ये बी ब्लॉक है, इस तरह का टोटल यहाँ पे 4 ब्लॉक। माला ये लड़की कल मिली,
पूरा रट के आइए भाई, देख रही हो। आज बहुत अच्छा जाने वाला साहब। आपका तो आईटी है। आईटी है तो उससे क्या, आईटी में पढ़ना नहीं पड़ता। और फाइनली अब हमारा पेपर खत्म हो गया, फाइनली मेरी जान छूटी अब इस परीक्षा से, इस एग्जाम से। और थर्ड सेमेस्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया आज। और ये हमारा बी ब्लॉक से अभी मैं निकला, और पीछे भी आपने देखा सी ब्लॉक था, और ये ए और बी ब्लॉक है जिसके साइड से मैं अभी जा रहा हूँ, बाहर निकलूँगा। बाहर जाने के बाद यहाँ से मेन गेट स्टार्ट हो जाएगा। और अभी एक फ्रेंड्स मिल गए। किसका किसका लास्ट एग्जाम था? किसी का नहीं। मेरा आज लास्ट था वैसे, तो समझो कि एक दिन और होगा तुम लोग का, ठीक है? तो आज ये बताओ कि तुम हो कॉलेज का अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा लगा? लगा भाई। अरे अब हमको मेहनत बढ़ा दिया, ये हमको कट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ। तो मतलब प्लेसमेंट के मामले में कैसा है? प्लेसमेंट के मामले में तो बहुत अच्छा है, यहाँ प्लेसमेंट मिलता है। अरे नहीं, जो रियल बात बोलो, रियल वाला बात बोलो। तो भाई जॉब आ रहा है, सेल्स का। सेल्स का आ रहा है, बस वही है। अच्छा, तो अभी कॉलेज के बाद फिर क्या करना है? कॉलेज के बाद बिजनेस अपना करना है। अच्छा, बिजनेस, मतलब अपना बिजनेस के लाइन में। तो प्लेसमेंट वगैरह का कोई टेंशन नहीं होगा कि हाँ प्लेसमेंट लगे या ना लगे, जैसा कुछ होगा? ठीक है, तक बैठे हो प्लेसमेंट? बैठे हो? बैठे हैं। प्लेसमेंट बैठे हो तो कैसा लगा? ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग की कंपनी ही आती है। अच्छा, ठीक है, मतलब जो भी बस नाम का है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, बस नाम का स्पेशलाइजेशन गर्भवतिया प्रोवाइड करता है, लेकिन मतलब जो भी तुमको अंतिम में सिलेंडर, मतलब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन करवाएगा तो थर्ड सेमेस्टर में वो मार्केटिंग तो चूज करेगा ही करेगा, अगर प्लेसमेंट लेना है तो। ठीक है, नहीं तो फिर तुमको पता चलेगा बीच इंटरव्यू से उठा देगा कि फाइनेंस हो तो मार्केटिंग में क्यों बैठे हो, चलो उठो। अच्छा, ठीक है। तो और क्लासेस वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है? एकदम नहीं, बेकार। ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है? ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। जेन्युइन रीजन बता रहा है, सही बता रहे, सही बता। तो फिर चलते हैं। बोलो क्या बोल रही है आप, बताओ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी हम लोग शूट कर रहे थे ब्लॉग, बहुत गाइस डू फॉलो ऋषिकेश चैनल। मेरा नाम है, पूरा नाम जो मेरा नाम डालोगे सबसे पहले मेरा चैनल, गाइस डू फॉलो ऋषिकेश चैनल। अरे बताओ ये क्या रहे हैं, आज लास्ट था वो बोलेगी। हाँ गाइस, अब हम जा रहे हैं एग्जाम देके, बहुत बुरा पेपर गया था मेरा, मुझे फर्स्ट सीट पे बिठा दिया गया था। कोई बात नहीं, गाइस हम सेम टाइम पे जाने वाले थे बट जा नहीं पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वो दैट हराम जाती ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने बोला 11:30 बजे मैं मिला, मैं पहुंच गई और ये बैठी रही। अरे भाई ये सब हमको जाने नहीं दिया था, मैम जाने दिया था, मैम से लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से अक्षय अक्षय फ्रेंड से बैठा। अक्षय को दिखाओ, अक्षय को दिखाओ चैनल। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो गाइज मैं आ गया फाइनली अपने पीजी, और मेरा वीडियो आज का कैसा लगा? तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियोस में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। बाय बाय, लव यू ऑल।